केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को दिया दिवाली गिफ्ट। एमसीडी अगले सप्ताह 5000 सफाई कर्मियों को करेगी पक्का। दिवाली से पहले दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली की मेयर शेली ओब्रॉय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी अगले सप्ताह 5000 संविदा सफाई कर्मियों को पक्का करने जा रहा है। शेली ओब्रॉय ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि हम अगले सप्ताह नगर निगम के 5000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह वाल्मीकि जयंती के मौके पर सफाई कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार का उपहार है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अस्थायी सफाई कर्मियों को पक्का करने का वादा किया था। बयान में कहा गया है कि इलाके में सामुदायिक भवन बनाने का काम भी तेज किया जाएगा। मेयर ने अधिकारियों को सामुदायिक भवन का निर्माण शुरू करने के लिए जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, रोहिणी में अपने पार्क सुधार परियोजना के हिस्से के रूप में एमसीडी सभी पार्कों में हाई मास्ट लाइट बेंच और स्ट्रीट लाइट लगाएगी। मेयर ने कहा कि नगर निगम रोहिणी को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एमसीडी क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे सुंदर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। ओब्रॉय ने बताया कि पिछले 15 साल में क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन अब सरकार इसे बदल रही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 वर्षों में दिल्ली में एक बेहतर तस्वीर सामने आएगी। इसमें बेहतर शिक्षा प्रणाली, बेहतर स्कूल, स्वच्छ क्षेत्र, बेहतर बुनियादी ढांचा और एक सुंदर शहर शामिल होगा। परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान एमसीडी पार्षद ऋतु मुकेश कुमार और विधायक जय भगवान उपकार मेयर के साथ थे।